सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में जो कि लिटरली अगर एक यूनिवर्स में होते तो एक दूसरे से बहुत हेट करते। सो या गाइस, मैं बात कर रहा हूँ द इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस पेनीवाइज की। अब ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल बींग्स है अपने अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स के, बट क्या होगा अगर ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट करेंगे तो। एंड या गाइस, ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोग को डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन जीत सकता है इन अ बैटल बिटवीन पेनीवाइज एंड हल्क। एंड यस गाइस, इस बैटल की लोकेशन होगी मेन, जो कि इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मेन टाउन था। सो डेरी मेन में बहुत टाइम से बहुत सारे डिसअपीयरेंस हो रही हैं, एंड इतनी सारी किलिंग्स और डिसअपीयरेंस की वजह से बहुत सारे लोगों को शक हो चुका है कि इस टाउन में एक अजीब सा ही कोई एलियन आ चुका है, जो कि रियलिटी में एक कॉस्मिक ईवल है, एक ऐसा बींग जो कि अर्थ पे आया था मिलियंस ऑफ इयर्स पहले। एंड इस ईवल क्रिएचर का नाम है पेनीवाइज। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन काफी न्यू है अपने ब्रूस बैनर के लिए, जो कि डेरी मेन में आया है इसी चीज का पता लगाने कि कौन सा मॉन्स्टर है जो कि बच्चों को किडनैप और उनका मर्डर कर रहा है। बट ब्रूस बैनर के शहर में कदम रखते ही पेनीवाइज ने नोटिस कर लिया कि कोई अजीब सा मॉन्स्टर आ चुका है शहर में, एंड पेनीवाइज काफी इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि ब्रूस बैनर के अंदर क्या है। एक ऐसी पावर जो पेनीवाइज ने कभी सोची भी नहीं होगी और ना ही कभी फील की है, एंड इसलिए पेनीवाइज ब्रूस के अंदर जो भी है उस पर फीड करना चाहता है। बट गाइस, इस फाइट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन दोनों की एबिलिटीज पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की, तो गाइस मुझे तो लगता नहीं है कि मुझे बताना पड़ेगा हल्क कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो लिमिटलेस है, लिटरली वो डिपेंड करती है कि वो कितना ज्यादा गुस्सा होता है। वो जितना ज्यादा गुस्सा होता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। एंड एक बार तो वो इतना गुस्सा हो गया था कि वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया था, एंड उसके सिर्फ पंचेस से ही एक पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया था। सो या, इससे तो हम लोग को समझ में आ ही रहा है कि जब तक हल्क गुस्सा रहेगा तब तक उसको रोकना बहुत मुश्किल है। अब हालांकि जो पेनीवाइज की स्ट्रेंथ है उसको ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, बट हम लोगों ने इतना जरूर देखा है कि इस क्रिएचर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड है। लेकिन हल्क की तरह पेनीवाइज का एक भी ऐसा इंप्रेसिव एग्जांपल नहीं है स्ट्रेंथ का। अब अगर हम लोग हल्क की बात करें तो हल्क एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, उसने ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट को विदस्टैंड किया है और वो कई बार अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट भी कर चुका है। बट या गाइस, ऑन द अदर हैंड पेनीवाइज एक इमॉर्टल बीइंग है, प्रीटी मच अनकिलेबल, बट उसको मारने का एक ही तरीका है और वो है कॉस्मिक लॉस के हिसाब से उसको मारना, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इमॉर्टल है तो उसको वूंड नहीं किया जा सकता, उसको बहुत बुरी तरह घायल किया जा सकता है। बट यस, जैसा कि मैंने कहा, वो तुरंत रीजनरेट हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं एबिलिटीज की, तो हल्क ज्यादातर अपने सिर्फ फिस्ट्स का ही यूज करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई यूजफुल एबिलिटी नहीं है। हल्क लिटरली साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज रन कर सकता है और माइंड कंट्रोल को भी रेजिस्ट कर सकता है एक सर्टेन डिग्री तक। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो किसी भी हॉस्टाइल एनवायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। अगर बात की जाए पेनीवाइज की, तो उसकी सबसे खतरनाक एबिलिटी है उसकी शेप शिफ्टिंग। लिटरली पेनीवाइज किसी भी फॉर्म या फिर शेप में टर्न हो सकता है, जिस भी चीज को सोचेगा वो उस चीज में टर्न हो जाएगा, एंड वो फिजिकल इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, एंड ये भी उसकी एक बहुत ज्यादा खतरनाक एबिलिटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करके अपने विक्टिम्स के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी फाइंड आउट कर सकता है, एंड इसी तरह वो उनके ग्रेटेस्ट फियर्स को एक्सप्लॉइट करके उनको वही चीजें दिखाता है जिस चीजों से उनको सबसे ज्यादा डर लगता है। सो या, एबिलिटीज के मामले में तो ऐसी बहुत ही कम चीजें हैं जो कि पेनीवाइज ना कर सके। अब अगर बात की जाए इंटेलिजेंस की, अब वैसे तो अपने क्लासिक फॉर्म में हल्क एक चाइल्ड की तरह बिहेव करता है, बट कॉमिक्स में हल्क के बहुत सारे वर्जन है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे कि ग्रेट हल्क या फिर प्रोफेसर हल्क। सो या, हल्क ब्रूस बैनर का दिमाग भी यूज कर सकता है, एंड ब्रूस बैनर कितना इंटेलिजेंट है वो तो मुझे बताने की जरूरत होगी नहीं। एंड ऑन द अदर हैंड पेनीवाइज की जो इंटेलिजेंस है वो देखा जाए तो काफी कम है, बिकॉज मूवीज में कभी उसको बहुत इंटेलिजेंट दिखाया जाता है या फिर कभी उसको बहुत बेवकूफ दिखाया जाता है। बट यस, वो ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है जो कि ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। बट या, उसको तो एक बार बच्चों ने भी हरा रखा है, सो आप लोग सोच सकते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस किस लेवल पे है। अब अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की, सो पेनीवाइज कितना ज्यादा पुराना क्रिएचर है ये बताना तो बहुत मुश्किल है, बट हम लोग इतना कह सकते हैं कि वो अर्थ पे काफी टाइम से है। अब वैसे तो वो बहुत पावरफुल है, बट यस, जैसा कि मैंने कहा, उसके ज्यादातर विक्टिम्स बच्चे ही होते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस उतना नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड हल्क ने तो ऐसे ऐसे एनिमीज से फाइट की है जो कि लिटरली पूरे प्लेनेट को भी बहुत आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते थे। सो अब अगर हम लोग बात करें वीकनेसेस की, अब वैसे तो हल्क की जो रेज है वो उसको अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करती है, बट यस, यही उसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस भी बन सकती है। जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यानी कि बर्सर्क रेज में चला जाता है, तब तो वो अपना कंट्रोल भी लूज कर देता है, जिसके कारण उसके पाथ में जो भी आता है वो उस सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हालांकि उसके ब्रेन को मैनिपुलेट तो नहीं किया जा सकता है, बट यस, अगर वो बहुत ज्यादा रेज में चला जाए तो उसको बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है, जो कि बहुत सारे टेलीपैथ्स ने कर रखा है कॉमिक्स एंड मूवीज में भी। एंड यस, पेनीवाइज भी इसका फायदा उठा सकता है, जस्ट लाइक बेटी का रूप लेके पेनीवाइज हल्क को दोबारा से ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म करवा सकता है, जो कि हल्क की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। एंड दूसरी चीज की हल्क अपने फादर से भी बहुत डरता था,
बचपन में ब्रूस का फादर उसको बहुत अब्यूज किया करता था। सो या इस फियर का भी फायदा उठा सकता है पेनीवाइज। अब अगर हम लोग पेनीवाइज की बात करें तो हम लोग ये कैसे भूल सकते हैं कि उसको कुछ बच्चों ने हरा दिया था जिनकी गैंग का नाम लूजर्स क्लब था। अब वैसे तो पेनीवाइज फियर पे फीड करता है, बट अगर उसे डराना जाए एंड उसको अब्यूज किया जाए तो वो वापस से रिवर्ट होके एक छोटा सा बेबी लाइक फॉर्म ले लेता है। कॉज नो फियर इक्वल्स टू नो पावर्स, सो पेनीवाइज को तब डिफीट किया जा सकता है। सो यस गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये कंपैरिजन। सो क्योंकि हम लोग को पेनीवाइज की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है तो ये पॉइंट जाएगा हल्क को। हेल्थ के मामले में हम लोग ये पॉइंट पेनीवाइज को दे सकते हैं, बट यस हल्क सिर्फ एक पॉइंट ही पीछे रहेगा। एबिलिटीज के मामले में भी पेनीवाइज हल्क से ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज को कैरी करता है। इंटेलिजेंस के मामले में ये पॉइंट हम लोग दे सकते हैं हल्क को। अब अगर हम लोग बात करें एक्सपीरियंस की तो ये पॉइंट भी हम लोग को हल्क को देना पड़ेगा। एंड अगर वीकनेसेस की बात की जाए तो इन दोनों की बहुत सारी वीकनेसेस हैं, बट यस यहाँ पे पेनीवाइज को एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकता है क्योंकि ब्रूस बैनर को एक्सप्लॉइट करके वो डिफीट कर सकता है। सो ये था मेरा कंपैरिजन। एंड अगर मैं अपना फाइनल डिसीजन बताऊं तो मेरे हिसाब से पेनीवाइज को हल्क डिफीट कर सकता है क्योंकि फियर का मुकाबला हल्क ने बहुत बार कर रखा है कॉमिक्स में। उसने कॉमिक्स में बहुत बार अपने फियर को ओवरकम कर रखा है। सो आई डोंट थिंक कि वो पेनीवाइज से हारेगा। बट गाइस आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड या नाउ थैंक्स वॉचिंग।